तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको BSNL में पोर्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, अगर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है कैसे पोर्ट कराएं, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, कितना पैसा आप BSNL में पोर्ट कराने के बाद बचा पाएंगे, और अगर आपके दिमाग में डाउट है कि ये 3G देगा, 4G देगा, 5G देगा, नहीं देगा, 5G आएगा तो कब तक आएगा, और उसका स्पीड क्या रहेगा आपके एरिया में, उसकी स्पीड क्या रहेगी, तो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं तो इन सारे सवालों के जवाब में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अब आप वेट मत करो पोर्ट कराने का, कैसे पोर्ट कराना है तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो भाई मैंने तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले पहले मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो अभी न्यूज में आया है कि BSNL ने टाटा के साथ 15,000 करोड़ की डील करी है, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं आर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि जो BSNL वो तो पहले से ही था, लेकिन अब वो अपनी रीच बढ़ा रहा है, स्पेशली जो छोटे गांव होते हैं, जो बहुत रिमोट विलेज होते हैं दूर दूर तक, तो वहां तक उनका इतना मतलब फ्रीक्वेंसी, इतना बैंड विड्थ नहीं था BSNL का, तो अब वहां तक भी उनका नेटवर्क पहुंच जाएगा। तो अभी आप बिंदास टेंशन फ्री हो सकते हैं, और उन्होंने ये टारगेट रखा है कि अगस्त तक ये सारा रोल आउट कर देंगे, तो आपको भी टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। प्लस वो फ्यूचर में और भी जो उनके टावर्स की जो संख्या बढ़ाने वाले हैं, मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है BSNL के लिए भी फिर से, तो वो फिर से मतलब दोबारा से मार्केट को रूल करने वाला है। बिकॉज BSNL आपको पता ही होगा सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की, बाकी सब इसके बाद में पैदा हुए। तो अब आप जियो और एयरटेल, वोडाफोन, इनको कर दीजिए गुड बाय और करा लीजिए BSNL में पोर्ट। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में एक और डाउट होगा कि इसका स्पीड कैसा रहेगा, ये 4G है या 5G है, तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी इसका 4G है, और फ्यूचर में मतलब 1-2 साल के अंदर ये 5G रोल आउट कर देगा। मतलब जो आपको सिम मिलेगी वह 4G रहेगी, 5G भी रहेगी, 3G भी रहेगी, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 5G रहेगी नहीं। लेकिन ये 5G का कचरा आपके दिमाग में भरा होगा, राइट? तो ये एक्चुअली जब 5G अगर आप देखें, तो पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि 5G 4G में क्या डिफरेंस होता है। तो 4G में क्या होता है, जो इसकी स्पीड ऑफिशियली इसकी स्पीड होनी चाहिए 50 Mbps से 200 Mbps के बीच। अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और 5G की स्पीड होती है मतलब 300-250 के ऊपर, तो लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। जो इंडिया में जो स्पीड आती है 4G की, वो 40-45 मतलब इससे ज्यादा आती नहीं है। दूसरी बात, आप 4G 5G के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज ये सब टेक्टिक्स से मार्केटिंग है, कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। जैसे पहले इन्होंने फोन वालों ने धंधा शुरू किया 5G 5G चिल्लाना, और अपने फोन बेच दिए ज्यादा प्राइस पे। अब ये फिर इसके बाद जो टेलीकॉम कंपनियों ने शुरू किया 5G 5G का, जो रामायण रट के और आपको 5G की सिम चिपका दी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आपने 3G यूज किया, 4G यूज किया, 5G यूज किया, आपको कोई फर्क दिखा क्या? अगर मैं जनरल इंसान की बात करूं, मेरे या आपके जैसे, तो इंटरनेट का यूज क्या होता है? आप एक तो आप वीडियो देख सके बिना कोई इंटरप्शन के, आप वीडियो कॉल कर सके, वॉइस कॉल कर सके, बस आपको इतना ही जरूरत है, और इतनी जरूरत तो आपकी 3G में भी पूरी हो जाती है, और 4G में और भी अच्छा है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और आपको 10 साल तक अगर आप 4G यूज कर रहे हैं तब भी आपके सारे काम फिनिश हो जाएंगे, मतलब आपका एक भी काम नहीं रुकेगा इंटरनेट स्पीड की वजह से। तो 3G 4G बहुत सफिशियंट होता है, लेकिन ये जो मार्केटिंग वाले जो कंपनीज होती है ऐसा माहौल बनाती है 5G 5G, क्योंकि 5G की स्पीड किसको जरूरत पड़ती है भाई? आपको नासा में या इसरो में जाके काम करना है क्या? 5G की या जो हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत उनको पड़ती है, और उसके लिए वहां पे जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको वो स्पीड प्रोवाइड करता है। तो आपके लिए 4G मोर देन सफिशियंट है। अगर आपके पास 4G फोन है, 4G इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप 15-20 साल तक आपका सारा काम से हो जाएगा, एक भी काम नहीं रुकेगा। तो नॉर्मल इंसान को सिर्फ इतनी जरूरत होती है 5G का, एकदम जस्ट हवा है और कुछ नहीं है। तो 4G आपके लिए सफिशियंट है, और फ्यूचर में इसमें भी रोल कर देगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपके दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि मेरा BSNL सिम कैसे वर्क कर रहा है, कि उसकी स्पीड क्या आ रही है, तो मैं अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसके लिए वीडियो बताऊंगा, आपको टेस्ट करके लाइव दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे BSNL में इम्पोर्ट कर सकते हैं, चाहे आपका जियो का सिम हो, एयरटेल का हो या फिर वोडाफोन का हो, किसी को भी आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोर्ट करने का प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फोन में जाना है मैसेज के अंदर, और आपको टाइप करना है पोर्ट, PORT, पोर्ट टाइप करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है आपका मोबाइल नंबर, जो भी नंबर आपको पोर्ट कराना है उसको। फिर आपको 1900 पे उसका SMS
सेंड करना है। तो जैसे आप SMS सेंड करेंगे तो आपको एक कोड आएगा, उसको बोलते हैं UPC। तो ये कोड आपको जब आप नया सिम के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे ये जो कोड आया है, ये कोड आपके काम आने वाला है। और हाँ, अगर आप जम्मू और कश्मीर से हो तो वहां पे ये मैसेज वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, वहां पे आपको 1900 पे कॉल करना पड़ेगा। तो वहां पे सेम मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना है, फिर आपको जाना पड़ेगा BSNL के ऑफिस। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक उनका ऐसा कोई ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो और सिम आपके पास आ जाए। अभी तक तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में ये ऑनलाइन फैसिलिटी भी ऐड कर देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये तो मिल गया, अभी आपको जाना है BSNL ऑफिस। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें तो BSNL ऑफिस का कैसे ढूंढे, तो इसका बहुत सिंपल है। आपको गूगल पे जाना है, गूगल मैप पे जाना है और सर्च करना है BSNL ऑफिस नियर मी। तो जो भी BSNL ऑफिस होगा उसका लोकेशन आपके आपको गूगल के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू इजीली मिल जाएगा। और हाँ, इसके अलावा ये तो इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कुछ जो ऑपरेटर होते हैं जो बहुत सारे सिम सेल करते हैं, तो हो सकता है वो भी फ्यूचर में वहां पे भी आपको हो सकता है BSNL का सिम मिल जाए। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके एरिया में BSNL का ऑफिस नहीं है तो। लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BSNL ऑफिस ही जाएं, बिकॉज वहां पे ये सिम एकदम फ्री मिलता है। अभी ऑपरेटर का पता नहीं अगर उन्होंने कुछ चार्ज किया, बट ऑफिशियली BSNL की तरफ से ये सिम आपको फ्री मिलने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, जब आपको ऑफिस मिल जाए तो आपको जाना है BSNL ऑफिस। तो वहां पे आपको बताना है कि मुझे BSNL का सिम चाहिए। जब आप वहां पे जाएंगे तो फिर आपको वहां पे एक फॉर्म फिल करने को दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म फिल करना है, इसके अलावा आपको आपके साथ लेके जाना है आपका एक आईडी कार्ड। और ये आईडी कार्ड जनरली इंडिया में तो ऑब्वियसली आपका आधार कार्ड ही लगने वाला है। जब और ये आपको दूसरा आईडी कार्ड लेके जाए नहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप आधार कार्ड जरूर लेके जाए। जब आप फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो आईडी से आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे आपको पता है होगा, वो अंगूठा लगा के चेक करते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं। तो वो आपको एक आईडी पे एक ही बंदे को सिम मिलेगा एट अ टाइम। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी आपके भाई बहन आपके पेरेंट्स के लिए भी सिम बाय करने का सोच रहे हैं तो उनको खुद जाना पड़ेगा, बिकॉज वो उनके आईडी से वेरीफाई होगा। हाँ, लेकिन आप खुद के नाम से मल्टीपल सिम बाद में परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनके लिए पर्टिकुलर खरीदना है तो उनको वहाँ पे वेरिफिकेशन, क्योंकि उनकी आईडी से ये होगा तो उनको जाना पड़ेगा। अब फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका आईडी वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो आपको फीस तो कुछ लेंगे नहीं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद वो आपको एक सिम कार्ड देंगे उनकी तरफ से, जो भी प्रोसेस नंबर सिम कार्ड देंगे उसमें आपका सिम का नंबर रहेगा। अगर आप पोर्टिंग करा रहे हो तो जो आपका जो पुराना नंबर है वो उसी सिम से लिंक कर देंगे। और अगर आप नई सिम खरीद रहे हैं तो आपको फिर पोर्टिंग का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहां से आपको नया सिम मिल जाएगा। तो आपको एक नया एक सिम कार्ड देंगे, तो अभी वो आपको आपके पास रख लेना है। तो जैसे ही उनका ये पोर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपका जो पुराना वाला सिम है वो बंद हो जाएगा, और वो बंद होते ही आपका जो नया सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आपका जो पुराना जियो या एयरटेल कोई सा भी सिम हो, जैसे ही वो बंद हो जाए तो आपको उस सिम को निकाल के फेंक देना है, और आपका जो नया सिम कार्ड है उसको आपके फोन में एंटर कर लेना है। लेकिन हाँ, एंटर करते ही वो चलेगा नहीं, उसके लिए फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये तो था पोर्टिंग का प्रोसेस, फिर आपको वेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कितना टाइम लगेगा, तो देखा जाए तो ऑफिशियली जो पोर्टिंग का टाइम होता है, जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जिस दिन, उसके बाद इनका 3 to 5 days का टाइम पीरियड होता है। तो नॉर्मली इसी टाइम में हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है आपका 1-2 दिन और ज्यादा लग जाए, बिकॉज अभी जो BSNL है वहां पे बहुत भीड़ पड़ रही है। जब से ये इन लुटेरों ने फीस बढ़ाई है तब से बहुत सारे लोग BSNL का या तो सिम खरीदने जा रहे हैं या पोर्टिंग कराने जा रहे हैं, तो वहां पे भीड़ है। तो हो सकता है आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपने जो UPC कोड जनरेट किया उसका वैलिडिटी होता है 15 days। मतलब आपने अगर एक बार वो UPC कोड जनरेट कर लिया है तो आप विदिन अ 15 days के अंदर आप BSNL ऑफिस जरूर चले जाएं सिम के लिए, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। हो गया तो क्या हुआ, फिर से जनरेट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो था सिंपल सा इंपोर्टिंग का प्रोसेस। जब आपका सिम एक्टिवेट हो जाए तो एंजॉय लोअर कॉस्ट डाटा और आपके पैसे बचेंगे। और हाँ, जो नया प्लान जो आएगा इसमें आपका डेली 150 रुपये मंथली इजिली बचने वाला है। तो मैं वो आपको प्लान दिखाऊंगा, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका कितना पैसा बचने वाला है, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं सारे प्लान आपको दिखाऊंगा, प्लस मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा उन लुटेरे प्लानों के साथ, उनमें कितना आपका पैसा
बचेगा। तो पोर्टिंग का प्रोसेस तो आपने जान लिया, अब भाई किसका वेट कर रहे हो, जाओ जल्दी से पोर्ट करा लो। और हाँ, वीडियो किसी के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी आपका दोस्त हो, मित्र हो, आपका भाई बहन कजन, जिसके साथ शेयर करना है शेयर कर देना, उसको बता देना कि ऐसे पोर्ट करते हैं, और फटाफट पोर्ट करा लो और इनकी और अपने पैसे बचा लो, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।